अब बात जेवर एयरपोर्ट की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पहली उड़ान की तारीख सामने आ गई है। नोएडा के जेवर में बन रहे हवाई अड्डे के बन जाने से क्या होगा फायदा, कब से विमान सेवा शुरू होगी, देखिए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की ये खास रिपोर्ट। कुछ ऐसा ही नजारा कुछ दिनों बाद दिखेगा जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। हवाई अड्डे का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगले साल अप्रैल महीने में शुरू कर दिया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत ये होगी कि 17 अप्रैल से जब इसकी शुरुआत होगी तो न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स का भी परिचालन यहाँ से शुरू हो जाएगा। आमतौर पर एयरपोर्ट्स की शुरुआत जब होती है तो पहले डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ती हैं और उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने आज हमको एक पत्र पहले भेजा था, एक सप्ताह पहले, कि फ़्लाइट शेड्यूलिंग के लिए और जो अलग अलग माइलस्टोन्स हैं उनके लिए डेट फाइनल कर लिया जाए। तो उसके लिए आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग थे, यापल के लोग थे, इंडिपेंडेंट इंजीनियर थे और DGCA के लोग थे। ये बैठक हमने आज दिन में की। यह भी ये फाइनल हो गया कि पहले दिन ही एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट कम से कम या एक से ज़्यादा, और डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी काफ़ी सारी शुरू होंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय भी शुरू होगी फ्लाइट और डोमेस्टिक भी शुरू होगी। एयरपोर्ट से जुड़े अलग अलग विभागों ने एक बैठक कर कुछ अहम फैसले लिए, जिनके हिसाब से एयरपोर्ट की शुरुआत 17 अप्रैल 2025 से होगी। टिकटों की बिक्री फरवरी में शुरू हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का टिकट 90 दिन पहले और घरेलू विमान सेवा के टिकट 1.5 महीने पहले बुक किए जा सकेंगे। ट्रायल नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते में होंगे। शुरुआत में एक दिन में 60 से ज्यादा विमानों की आवाजाही हो सकेगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाने पर अनुमानित लागत 10,000 करोड़ से ज्यादा की आई है। एयरपोर्ट 1300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बन रहा है। अनुमान है कि इसकी सालाना क्षमता 1.25 करोड़ यात्रियों की होगी। इसके शुरू हो जाने से दिल्ली हवाई अड्डे का लोड काफी कम हो जाएगा। एयरपोर्ट को मेट्रो लाइन से भी जोड़ा जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से न सिर्फ नोएडा और गाजियाबाद में रहने वाले लोगों बल्कि दिल्ली की भी एक आबादी को एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। साथ ही इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी भार काफ़ी कम हो जाएगा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बीजेपी सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। प्रदेश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील है और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी जनपद में जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम उसे बनाने का लक्ष्य रखते हैं। नोएडा में बन रहे इस एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर साल 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और सरकार ने लक्ष्य रखा था कि इसको रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार कर देंगे। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो जाएगा जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स होंगे। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि योगी सरकार के $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। नोएडा से अपने सहयोगी अरविंद उत्तम और कैमरा पर्सन वीरेन सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।